वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग इंडस्ट्रीज एंड क्यूब रूट प्रैक्टिस सेट 3.3 महाराष्ट्र बोर्ड का 8th क्लास का क्वेश्चन नंबर 2 सिंपलीफाई इसको करने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है क्यूब रूट 27 डिवाइडेड बाई 25। इसे पहला पार्ट है इसका, इसको सिंपलीफाई करना है। इसको सिंपलीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको दोनों को डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को अलग अलग लिख लेते हैं। 3√3 125। 27 का प्राइम फैक्टर, 27 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक करेंगे। 27 का प्राइम फैक्टर क्या होता है, 27 3 से कटेगा, 3 9 27, 3 3 9, 3 1 3। तो 27 की जगह पे क्या लिख सकते हैं, 3 × 3 × 3 और 125 की जगह पे 125 का प्राइम फैक्टर, 125 का प्राइम फैक्टर क्या होगा, 125 5 से कटेगा, ये 5 2 10, 5 5 25, 5 5 25, 5 1 5। तो ये 25 का प्राइम फैक्टर 125 का 5 × 5 × 5। 27 का प्राइम फैक्टर 3 × 3 × 3 और 125 का 5 × 5 × 5। तो यहाँ चूँकि √3 है, 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा और यहाँ 5 में से एक 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, 3/5 इसका आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर टू में हमारा क्वेश्चन है 3 16 डिवाइडेड बाई 54। 16 डिवाइडेड बाई 54 है, इसको थोड़ा सिंपलीफाई कर सकते हैं। ये 16 और 54 एक दूसरे से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो बेहतर यह है कि हम इसको पहले काट दें तो ये थोड़ा आसान हो जाएगा। 16 54, 2 से कट सकता है, ये 2 8 16, 2 2 4, 2 7 14, ये क्या हो गया, 8/27। अब 8 को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक कर देंगे, 8 की जगह क्या ले सकते हैं, 2 × 2 × 2। 27 की जगह क्या ले सकते हैं, 3 × 3 × 3, 3 3 9 3 27। तो ये क्या हो गया इसका आंसर, ये 3 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा और 3 3 में से एक 3 बाहर आ जाएगा, 2/3 इसका आंसर हो गया। अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास, थर्ड क्वेश्चन क्या है, इफ 7 2 9 = 9 देन क्या करना है, 0.00729 इसकी वैल्यू निकालनी है। और एक चीज़ ये ऑलरेडी ये मेंशन किया हुआ है, क्यूब रूट 7299। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन, सबसे पहले इसको लिखते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है उसको लिखते हैं। अब यहाँ पे डिसमल फॉर्म में है तो एक काम ये कर सकते हैं, इसमें डिसमल फॉर्म को ख़त्म कर देंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में ले आएंगे। तो फ्रैक्शन फॉर्म में क्या होगा, इसको डिसमल को एबोलिश करने के बाद जो भी नंबर यहाँ पे आ रहा है उसको यहाँ लिख देंगे डिसमल की जगह पे 1। उसके बाद कितने 0 आएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 0 इसमें लगा देंगे, 1 2 3 4 5 6 0। तो अब जो है ये क्या हो गया, 729। वेग तो 729 है, यहाँ पे 729 का क्या निकालना पड़ेगा हमें, प्राइम फैक्टर। सबसे पहले 729 का प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, 729 एक से कटेगा, 2 से कट नहीं सकता, 7 2 9 9 18, ये 3 से कट जाएगा, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। ये किसी से कटेगा, 3 4 7 2 9, ये अगेन 3 से कट जाएगा, 3 8 24, 3 1 3, ये अगेन 3 से कटेगा, 3 2 6, 3 7 21।
ये गेन 3 से कटेगा, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा 3। तो अब ये 7 2 9 की जगह पे कितने 3 आ गए प्रोडक्ट के फॉर्म में, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 3 को प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख देंगे। 3 3 का ग्रुप बना लेते हैं, इसलिए कि इसमें से जो बाहर निकालेंगे तो 3 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, 3 3 में से एक 3 बाहर निकलेगा, 3 प्रोडक्ट में से एक प्रोडक्ट, एक पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट बाहर निकलेगा। ये नीचे क्या हो गया, नीचे यहाँ पे 0 0 के फॉर्म में है, तो यहाँ पे 1000 100 बाई 100 बाई 100 अगर कर देते हैं तो ये इसके बराबर आ जाएगा, 100 कितने 0 हैं 6 0, तो इसको 100 के फॉर्म में प्रोडक्ट बना लेते हैं इसका, 100 100 100 ये कितना हो जाएगा, ये इसके बराबर आ जाएगा। अब थ्री सेवन टू नाइन, इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 9 मेंशन की हुई है इसकी वैल्यू, तो इसकी यहाँ से भी इसकी वैल्यू को हम पुट कर सकते हैं, ना करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से भी 3 और 3 दो 3 बाहर निकल के आता तो 9 हो जाता है यहाँ से भी, और यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है, तो जब गिवन है तो ये इस क्या करेंगे, गिवन है तो यहाँ पे 3729 एंड 3 इसकी वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे 9 गिवन है, 9 यहाँ पे निकाल दिया और ये क्या हो गया, ये 100 हो गया, ये 100, तो 9 डिवाइडेड बाई 100 डेसिमल फॉर्म में अगर इसको मेंशन करना हो तो क्या हो जाएगा, 0.09, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पे इफ 3 ही यहाँ पे एक वै क्या वैल्यू दिया हुआ है तो ये इसकी ज़रूरत यहाँ पे फिलहाल नहीं है, इसको कैलकुलेट करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, इसलिए ऑलरेडी गिवन है, ये यहाँ पे क्यूब रूट 729 की जगह पे 9 लिख दिया, ये 100 हो गया, अगर ये नहीं दी मेंशन होता तो इसकी मदद से हम इसको निकाल सकते थे। तो ये 3 पार्ट्स था इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में करेक्टली सेट 3.3, इसका 3 पार्ट, तीनों पार्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको ट्यूटोरियल पसंद आया तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल बटन।